आज के इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर बनाम मनुष्य। नमस्ते दोस्तों, ठाकुर कंप्यूटर क्लास से मैं हूं आलोक ठाकुर। कंप्यूटर के बहुत से कामों को देखकर आप सोचते होंगे कि इनमें बुद्धि होती होगी, परंतु वास्तव में कंप्यूटर में एक छोटे कीड़े के बराबर भी बुद्धि नहीं होती। वह केवल दिए गए आदेशों का पालन करता है, इतने से ही वह बहुत से काम कर लेता है। हमें उससे छोटे छोटे काम कराने के लिए भी पूरे आदेश देने पड़ते हैं, बिना आदेश दिए वह कुछ भी नहीं कर सकता। यदि हमारे दिए गए आदेश सही होंगे तो काम भी सही ही होगा, और अगर आदेश गलत होंगे तो काम गलत हो जाएगा। कंप्यूटर को सही आदेश देना और उससे बड़े बड़े कार्य करा लेना भी एक कला है, आप इस कंप्यूटर क्लास में सीखेंगे। कंप्यूटर के काम करने के तरीके की तुलना हम खुद अपने काम करने के तरीके से कर सकते हैं। हम अपने कानों से सुनकर तथा आँखों से देखकर कोई बात समझते हैं, अपने दिमाग से उस पर विचार करते हैं और उसे याद रखते हैं, तथा अपने हाथ पैर या मुंह से उसका उत्तर देते हैं, यानी एक्शन लेते हैं। कंप्यूटर भी लगभग इसी तरह काम करता है, अपने इनपुट से डेटा और आदेश लेते हैं, मेमोरी में उन्हें स्टोर करता है, प्रोसेसर पर उनका पालन करता है और आउटपुट पर परिणाम दे देता है। परंतु मनुष्य और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि हमारे काम करने की गति बहुत धीमी होती है, जबकि कंप्यूटर के काम करने की गति बहुत तेजी होती है। इसलिए हिसाब किताब का जो काम हम घंटों में कर पाते हैं, कंप्यूटर उसे सेकेंडों में कर डालता है। दूसरा मुख्य अंतर यह है कि एक जड़ मशीन होने के कारण कंप्यूटर न तो मनुष्य की तरह थकान अनुभव करते हैं और न ही बैरियत। यही कारण है कि वे एक सा कार्य कितनी ही बार उसी गति एवं शुद्धता से बिना एकाग्रता खोए कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कंप्यूटर बनाम मनुष्य। अगले वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर बनाम कैलकुलेटर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कंप्यूटर बनाम कैलकुलेटर पर वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए।